समक्ष डॉक्टर प्रविता कुमार प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग श्री औरबिंदो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से लर्नर्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की व्याख्यान श्रृंखला में हम एक आज नए प्रकार का ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन आणविक पुनविन्यास अभिक्रिया मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं कितने प्रकार की रिएक्शंस हम मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं और उस पर बेस्ड अनेक प्रकार की रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे मॉलिकुलर रिअरेंजमेंट रिएक्शंस एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जहां किसी समूह या अणु या ग्रुप का बंद सहित बॉन्ड के सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सो द मॉलिकुलर रिअरेंजमेंट रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम विद इट इलेक्ट्रॉन पेयर और विद इट्स रासायनिक्रिया समूह का फेर बदल होता है रिश्फलिंग ऑफ सिक्वेंस ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस सो ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाए जिसमे मोलिक्यूल में एक समूह या ग्रुप या Uh, कोई अणु का बॉन्ड पेयर सहित बंद सहित बॉन्ड सहित एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना माइग्रेशन होना आप इस स्लाइड में देखिए कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी अभिकारक मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के समय माइग्रेशन होता है एक समूह का और जो नया उत्पाद या जो न्यू प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ़ मॉलिक्यूल उस रिएक्टेंट का उस मॉलिक्यूल का जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल का या हम कह सकते हैं मॉलिकुलर रिअरेंजमेंट अभिक्रियाओं में माइग्रेशन के बाद जो नया उत्पाद मिलता है जो नया प्रोडक्ट मिलता है वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है उस रिएक्टेंट का या उस मॉलिक्यूल का नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा एक कार्बन श्रृंखला आप देख सकते हैं इसमें इस कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन वन है कार्बन वन पर एक आर ग्रुप अटैच है मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के समय यह आर ग्रुप माइग्रेट होता है कार्बन टू पर आप देखिए आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ आर माइग्रेशन के बाद हमें एक जो प्रोडक्ट मिलता है या इंटरमीडिएट मिलता है वह कार्बोकेटाइन के रूप में मिलता है तो यहाँ आप देखेंगे जो समूह है आर समूह वह बंद के सहित कार्बन टू पर शिफ्ट होता है तो आर समूह का स्थानांतरण परमाणु के अंदर ही होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है सो हेयर वी कैन सी द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन टेक्स प्लेस आप स्लाइड में देखिएगा ऑन योर स्क्रीन यू आर लुकिंग हेयर द रीअरेंजमेंट ऑफ अ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ग्रुप इस समूह का माइग्रेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल्स सेकेंड पोजिशन पर आप देख सकते हैं तो यहां जो शिफ्टिंग ऑफ और माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप्स है वह वन पोजीशन से जो एरोमेटिक चेन है उस एरोमेटिक चेन की पोजीशन वन से आप पोजीशन टू पर माइग्रेशन ऑफ ग्रुप देख सकते हैं सो द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बट हेयर वी आर गेटिंग द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सो दिस इज द एग्जाम्पल यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन ये जो स्क्रीन पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन सो क्लेजेंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी एक मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यहां आर सी ओ एन एस टू दिस इज अंड यहां आहर समूह का स्थानांतरण नाइट्रोजन पर जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है उस पर माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन के बाद वी आर गेटिंग हियर अमीन सो आप देखिएगा यहाँ जो ग्रुप है माइग्रेशन के समय जो ग्रुप माइग्रेट uh, करता है उस का जो जुड़ने का स्थान या बॉन्ड जहां पर बनाता है दैट इज डिफरेंस तो डिफरेंस इन कनेक्टिविटी सो आप uh, इस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में आप देखे देख रहे हैं कि आर समूह का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर है सो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर टू टाइप्स ऑफ वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स वन इज आणविक अभिक्रियाएं। इंट्रा इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो माइग्रेटरी समूह है या शिफ्ट होने वाला जो ग्रुप है या एटम है वह विद इन द मॉलिक्यूल ही होता है विद इन द मॉलिक्यूल या परमाणु के अंदर ही उसका माइग्रेशन होता है सो माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम कहते हैं अंतरा आणुविक न्यास अभिक्रिया इंटर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन इस रीअरेंजमेंट re रिएक्शन में जो समूह का स्थानांतरण दूसरे परमाणु में होता है माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट uh, रिएक्शन re को हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन लर्नर्स द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स कैन बी जो रिअरेंजमेंट के समय जो ग्रुप या समूह या एटम माइग्रेट करता है वह वन टू एल्काइल शिफ्ट या वन टू एराइल शिफ्ट या वन टू हाइड्राइट शिफ्ट और इस प्रकार से वन टू फिनाइल शिफ्ट वन टू एल्काइल शिफ्ट और वन टू हाइड्राइट शिफ्ट तो यह सभी अभिक्रियाओं में रिएक्शंस में ग्रुप या एटम का जो पोजिशन होती है माइग्रेशन की वन टू पोजिशन का वन पोजिशन से टू पोजिशन पर शिफ्टिंग होता है तो ये एक मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें वन टू अल्काइल शिफ्टिंग कैन टेक्स प्लेस वन टू अराल शिफ्टिंग कैन टेक्स प्लेस और वन टू हाइड्राइट शिफ्टिंग टेक्स प्लेस और इन सभी शिफ्टिंग में जो रीअरेंजमेंट होगा वन कार्बन से सेकेंड पोजिशन पर वन पोजिशन सेकेंड पोजिशन पर ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हमेशा याद रखिएगा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के समय जो माइग्रेटरी समूह है जो स्थानांतरण करने वाला समूह है वह पूर्ण रूप से डिटैच नहीं होता उस मॉलिक्यूल से पूर्ण रूप से अलग नहीं होता है वह समूह की जस्ट पोजीशन बदलती है इसका मीनिंग है कि द माइग्रेटरी ग्रुप नॉट फुली डिटेच फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स जस्ट चेंज द पोजिशन सो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में जिस ग्रुप का अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया वन टू अरायल शिफ्ट अगर वन टू अरायल शिफ्टिंग हो रही है मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के समय तो यहां पर फुल्ली डिटैच नहीं होगा वह रीअरेंजमेंट होगा बाहर नहीं निकलेगा उस मॉलिक्यूल से इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दिस इज एन प्रोपाइल ब्रोमाइट एक एल्काइल हेलाइट एल्काइल हेलाइट लुइस एसिड और एच के साथ जब रिएक्शन होती है यहां आप देखिए वी आर गेटिंग अ कार्बोकेटाइन एक कार्बोकेटाइन मिला है नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्वतः ही मॉलिक्यूल में होगा अपने आप ही रीअरेंजमेंट के समय जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वी विल गेट द मोस्ट स्टेबल सो उस स्टेबिलिटी पाने के लिए हां जो शिफ्टिंग होगी वह हाइड्राइट शिफ्टिंग होगी वन टू हाइड्राइट शिफ्टिंग आप एग्जाम्पल में देखिएगा द कार्बन इज हैविंग हाइड्रोजन एटम शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन और यह हाइड्राइट शिफ्टिंग यह हाइड्रोजन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन पर इसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के सहित शिफ्ट होगा या माइग्रेट होगा और इस प्रकार हम हमें जो दूसरा कार्बोकेटाइन मिलेगा दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सो इस रिएक्शन में दियर इज ओनली पॉसिबिलिटी टू गेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमें सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही मिल सकते हैं तो इस प्रकार से यहाँ जो शिफ्टिंग है वन टू हाइड्राइट शिफ्टिंग सो मॉलिक्यूल के अंदर ही वन टू हाइड्राइट गमन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग के साथ होगा वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग के साथ होगा सो so, इसी प्रकार से जो माइग्रेटरी ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर शिफ्ट होगा और उसमें शिफ्टिंग के समय जो बंद के साथ जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें जो जिस बॉन्ड के साथ वह जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर भी स्थानांतरित होंगे ग्रुप और एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच सो यहाँ जो माइग्रेटरी ग्रुप है दट इज द इलेक्ट्रॉन रिच इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा एन क्लोरो यहाँ ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहा सीएल ग्रुप माइग्रेट होगा इसकी पोजिशन माइग्रेट होगी एक पोजिशन से विद इन द मॉलिक्यूल दूसरी पोजिशन पर तो so, आप देखिएगा यहां जो सीएल ग्रुप है दैट इज शिफ्टेड टू अनदर पोजिशन ऑन द कार्बन एटम सो यहां क्लोरिन डिटैचड कंप्लीटली डिटैच नहीं हुआ है द क्लोरिन इज माइग्रेटेड टू अदर पोजिशन ऑफ एट द बेजीन रिंग सो जो सीएल है इज नॉट कंप्लीटली डिटेच फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल जस्ट इट रीअरेंज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसकी शिफ्टिंग हुई है इसकी माइग्रेशन हुआ है अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर सो इस प्रकार की जो रिएक्शन है ऑर्टोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑर्टोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बंद और समूह दोनों का स्थानांतरण आपने देखा चेंज इन द बॉन्ड माइग्रेशन ऑफ अ बॉन्ड एंड माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप ऑल्सो टेक्स प्लेस सो द मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रक्चरल चेंजेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के समय जो फॉलो प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं वह मिनिमम स्ट्रक्चरल चेंजेस संरचना में कम से कम परिवर्तन का सिद्धांत मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती है दी आर फाइव टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एट अप। एक मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जहां जो ग्रुप है उसका माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर उस सेंटर पर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो दूसरे प्रकार का का जो टाइप है समूह स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिस मॉलिकुलर रिजमेंट में जो ग्रुप है माइग्रेट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट पोजिशन पर उस स्ट्रक्चर को या उस रिअरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्केलेटल रिअरेंजमेंट और इस प्रकार के रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेटरी समूह है या ट्रांसफर होने वाला समूह है दैट विल बी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल वह कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और एटम और ग्रुप ही होगा अन्य प्रकार का जो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है दैट इज समूह जो माइग्रेट करने वाला या मूवमेंट करने वाला समूह है वह किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर मूव करेगा तो so, इस प्रकार के हम माइग्रेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्केलेटन रीअरेंजमेंट जिस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में जो ग्रुप है माइग्रेट टू एनी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्केलेटन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसी प्रकार से रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन एरोमेटिक रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन और वन वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज अ पेरेक्शन और पेरेसाइक्लिक रिएक्शन में सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का हमने प्रीवियस लाइट में जो एग्जाम्पल के थ्रू समझा था दैट इज अग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट रिएक्शन सो वहां जो ग्रुप का माइग्रेशन है ग्रुप का मूवमेंट है वो रिंग में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर प्लेस पर होता है अलोंग विद इट्स सिग्मा बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है हम आज समझेंगे पिनेकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहां पिनेकोल जो एक रिएक्टेंट है एक रिएजेंट है वह रीअरेंज होता है पिनेकोलोन से सो पिनेकोल इज कन्वर्टेड टू पिनेकोलोन नाउ पिनेकोलोन इज अ प्रोडक्ट एंड पिनेकोल इज अ रिएजेंट और रिएक्टेंट सो व्हाट इज अ पिनेकोल? पिनेकोल यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन पिनेकोल इज वन टू डाई वन टू डाई ओल वेयर द टू ओ एच ग्रुप आर एट एट

रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सो एसिडिक मीडियम में यह रिएक्शन मॉलिकुलर डिफरेंट एग्जाम्पल हियर दिस इज ऑल्सो पिनेकोल दो ओच ग्रुप अटैच टू द एडजसेंट कार्बन एटम और इस प्रकार की हम जो मॉलिक्यूल है उनको बोलते हैं विस डाइ जब दो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डायलूट एस्टोसफोर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी एंड वी गेट अ पिनेकोलोन सो दिस इज कॉल्ड पिनेकोल पिनेकोलोन मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाउ वी विल सी द मैकेजम्स इसकी क्रियाविधि क्या है किस प्रकार से वन टू डाई ऑल और जिसे हम पिनाकोल भी कहते हैं पिनाकोल कन्वर्ट होता है पिनाकोलोन में फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन का है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम एसिड प्रोवाइड करता है प्रोटोन और वह प्रोटोन रिएक्ट करता है एक OH so, ओ ग्रुप पर सो जैसे ही ओ एच OH ग्रुप पर प्रोटोन रिएक्ट करता है वी गेट अ ऑक्सोनियम आप स्लाइड में देखिएगा एच द हाइड्रोजन द प्रोटोन इट्स एड ऑन द्रुप एंड वी गेट अक्सोनियम आर्नर यू ऑलवेज रिमेम्बर बिकॉज दियर इज दिस इज symmetrical मॉलिक्यूल आप देखिएगा जो दोनों ओ एच है वह बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो इन दैट केसेस अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है जो प्रोटोनेशन है किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर प्रोटोनेशन हो सकता है बट इफ देयर इज अ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल उसमें जो प्रोटोनेशन है वो डिपेंड करता है कि प्रोटोनेशन के बाद द मॉलिक्यूल आफ्टर द प्रोटोनेशन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन वी गेट द हायर स्टेबल कार्बोकेटायन उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोटोनेशन होगा सो आप यहां जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ वी गेट अ ऑक्सोनियम आयन एंड ऑक्सोनियम आयन प्रोटोन ऑक्सोनियम आयन बनने का पर्पज क्या होता है रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन एच टू ओ रिमूवल ऑफ अ प्रोटो वाटर सो सेकेंड स्टेप में जैसे ही प्रोटोनियम आयन बना एक वाटर मॉलिक्यूल का यहां से निकल जाता है लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल सो इन स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग हियर ऑक्सोनियम आयन इट्स अ रिमूवल ऑफ एक्सो प्रोटोन आफ्टर रिएक्शन ऑफ अ प्रोटोन ऑन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज अ पॉजिटिवली चार्ज सो वी गेट अ कार्बो आयन आफ्टर रिमूवल ऑफ अ एच टू ओ मॉलिक्यूल जैसे ही ऑक्सोनियम आयन निकलेगा यह स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन को थर्ड स्टेप में आप देखिएगा दिस टर्शरी कार्बोकेटायन एक और पॉसिबिलिटी है आ, वी हैव टू तो फॉलो हेयर द स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल जैसे हमने पहली स्लाइड में आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बो की दैट इज टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी सो तो यहां जो पुश और पुल मकैनिज्म के बेस पर वन टू मिथाइल शिफ्टिंग होगी जैसे ही मिथाइल शिफ्टिंग होगी दैट इज लुकिंग द एरो यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन दैट इज द मिथाइल ग्रुप शिफ्टेड टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम और वी गेट अ टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो पॉजिटिवली चार ऑक्सीजन यर स्टेबिलाईज द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम और रेजोनेंस के कारण यहां जो कार्बोट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सो ड्यू टू द रेजोनेस इट गेट्स वी गेट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन नाउ फोर्थ स्टेप वॉट इज द फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सो एसिड विल अगेन जो प्रोटोन है वो प्रोटोन लॉस ऑफ प्रोटोन प्रोटोन का निकलना यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाएगा एंड वी गेट अ पिनेकोलोन सो ऑन योर स्क्रीन यू आर लुकिंग हेयर फ्रॉम द ओ एच द इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम एंड इट मेक अ डबल बॉन्ड एंड वी गेट अ पिनेकोलोन इस प्रकार से जैसे ही प्रोटोन यहां से निकलेगा जो ऑक्सीजन विल बी अगेन हियर वी गेट अ एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाएगी और इस प्रकार से यह जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा पिनेकोलोन यह एक कीटोन है आप स्ट्रक्चर में देखिएगा दिस इज अटोन सो इस प्रकार के मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट A molecular rearrangement reactions in organic chemistry where 1,2 diols converted to pinacolone so yeah le learners what is the deriving force over here the deriving force is one 1,2 methyl shift यहाँ जो रीअरेंजमेंट की जो डिराइविंग फोर्स है जो प्रेरक शक्ति है वह वन टू मिथाइल शिफ्ट सो इस शिफ्टिंग के कारण ही वी गेट अ स्टेबल ऑक्सोनियम आयन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाली जो बात है कि जो घूमने वाला या माइग्रेशन uh, जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसका एप्टीट्यूड क्या क्या है सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑलवेज जो एप्टीट्यूड ऑफ माइ माइग्रेटरी ग्रुप जो uh, जो मॉलिक्यूल से निकलने वाला समूह है दैट इज हाइड्राइट ग्रुप फिनाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप दैन टर्शरी कार्बोकेटाइन दैन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन मिथाइल कार्बोकेटाइन दीज आर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप्स ये इनकी डिक्रीजिंग uh, ऑर्डर में है सो so, जितने भी माइग्रेटरी ग्रुप हैं अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर ही मूव करते हैं इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डाइओल्स अन असमुमित या अनसीमेट्रिकल डाइल्स di में प्रोटोनेशन किसी भी ओ OH पर ऐसा नहीं है कि किसी भी OH पर डायोल्स के किसी भी ओ OH एच पर प्रोटोनेशन हो जाएगा इस केस में जो प्रोटोनेशन होगा उसी प्रोटोने, OH पर प्रोटोनेशन होगा जिसके निकलने के बाद एक स्थायी एक स्टेबल कार्बो किटायन बने सो इन अनसिमेट्रिकल डायोल्स ओनली ओ एच इज प्रोटोनेटेड रिमूवल ऑफ विच अ स्टेबल कार्बोकेटाइन्स so proton. What is the purpose of protonation? Here in जित कोई भी मॉलिक्यूल में हम प्रोटोनेशन का क्यों करते हैं What is the purpose? The purpose of protonation is it makes मोर इलेक्ट्रॉन पुअर इलेक्ट्रोफाइल कोई भी मॉलिक्यूल में या किसी भी ग्रुप का जब हम प्रोटोनेशन करते हैं प्रोटोनेशन करने के बाद जो स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज होती है ये एग्जाम्पल में आप देखिए ये एक अनसिमेट्रिकल वन टू डाई ऑल है आप अनसिमेट्रिकल वन टू डाई ऑल में आप हमने जो पहले प्रोटोनेशन करा है उसमें हमें वी गेट अ टर्शरी कार्बोकेटायन और उस टर्शरी कार्बोकेटायन से टू मिथाइल ग्रुप्स अटैच लेकिन हमने सेकेंड जो प्रोटोनेशन करा है ऑल्सो वी अ गैट टर्शरी कार्बोकेटाइन बट उस टर्शरी कार्बोकेटाइन पर दो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो विच इज द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन? हियर द कार्बोकेटाइन विच हैविंग टू फिनाइल ग्रुप जिस कार्बोकेटाइन पर दो फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे वह स्टेबल कार्बोकेटायन होगा और इसके बाद यह वन टू मिथाइल शिफ्टिंग होगी सो आफ्टर द वन टू मिथाइल शिफ्टिंग वी गेट पिनेकोलोन सो so, यहां हमने देखा one, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा वन टू हाइड्राइट इस एग्जाम्पल में हमने देखा वन टू मिथाइल शिफ्ट बिकॉज वन टू मिथाइल शिफ्टिंग के बाद वी आर गेटिंग अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज पिनेकोलोन दिस इज थ्री थ्री डायफिनाइल टूब इसी प्रकार दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पिनकोल पिनकोलोन रिजमेंट रिएक्शन और हमेशा लर्नर्स याद रखेगा पुशिंग पुशिंग एंड पुलिंग टेक्स प्लेस पुशिंग मीन्स माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप्स एंड पुलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अ ऑक्सोनियम एंड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियज कॉल्ड पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्मी गेट अटेबल कार्बोकट एन सो so, इस लेक्चर के इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कितने प्रकार की मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं और मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में हमें जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स का और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन पिनाकोल नेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में जाना सेकेंड पार्ट में हम वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस थैंक यू